हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपका चैप्टर नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज एन एलिमेंट। एक एलिमेंट क्या है? कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरीके के एटम से बना हो उसे हम कहते हैं एलिमेंट। सब्सटेंस मेड अप ऑफ एटम ऑफ अ सेम काइंड। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि आयरन है। आयरन जो है वो एक एलिमेंट है बिकॉज आयरन का सिंबल होता है Fe। तो आयरन जो है वो सिर्फ और सिर्फ Fe मॉलिक्यूल से ही बना है। उसमें जितने भी एटम्स, जितने भी एटम्स है आयरन में, सारे आयरन के ही एटम्स है। ऑल आर Fe, मतलब ये आयरन जो है ये एक तरीके के एटम से बना है। सो दिस इज एन एलिमेंट। और कंपाउंड होता है, मतलब कंपाउंड के बारे में आपको पढ़ना नहीं है। जैसे कि H2O है, इसमें हाइड्रोजन भी है H और ऑक्सीजन भी है O। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, H देन O देन H फिर H। मतलब इसमें सिर्फ एक तरीके के एटम्स नहीं है, दो अलग अलग तरीके के एटम्स हैं। तो ये एक एलिमेंट नहीं है, ये एक कंपाउंड है। जबकि सिर्फ अगर हम हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन ले लें, वो एक एलिमेंट है। आयरन, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au, ये सिर्फ एक तरीके के एलिमेंट एटम से बने हैं। तो ये होते हैं एलिमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दो सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट्स। सो अब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। अब एलिमेंट्स जो होते हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर किए गए हैं। तो अब 118 एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए हमने क्या करा, 118 एलिमेंट्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आएगा, उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब हमें पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम उनकी अकरेंस पढ़ते हैं एक एक करके। मेटल्स जो होते हैं वो अबंडेंस में होते हैं अर्थ क्रस्ट में, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब जो जल्दी से किसी भी और एटम या एलिमेंट के साथ मतलब रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, जिंक, दीज ऑल एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। तो ये क्या करते हैं, ये कंपाउंड बना लेते हैं एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, एक सल्फर के साथ रिएक्ट करके, कार्बन के साथ रिएक्ट करके इजीली कंपाउंड बना देते हैं। और किस फॉर्म में मिलते हैं, हमें कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। जबकि जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं लाइक गोल्ड एंड सिल्वर अकर इन नेचर इन देयर एलिमेंटल और नेटिव स्टेट। मतलब अगर आपको सोडियम निकालना है तो सोडियम आपको एज इट इज, सोडियम का सिंबल होता है Na, तो ये आपको एज इट इज Na की फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा NaCl की फॉर्म में, NaCO3, Na2CO3, सॉरी, ऐसी फॉर्म्स में मिलेगा सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। लेकिन अगर आपको गोल्ड या सिल्वर निकालना है तो वो आपको प्योर फॉर्म में ही मिलेगा, मतलब Au। प्योर नहीं होगी लेकिन उसकी एलिमेंटल फॉर्म होगी, मतलब उसमें सिर्फ Au, Au होता है गोल्ड, Ag होता है सिल्वर। तो वो प्योरली यही एटम्स होंगे, ये किसी भी कंपाउंड, मतलब ये कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा, ये होंगे कंपाउंड की फॉर्म में और ये होंगे एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब अपनी नेटिव स्टेट में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है तो ये किसी के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, जबकि जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो रिएक्ट कर जाते हैं इजीली। फिर आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट। नॉन मेटल्स तो फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं एटमोसफेयर में, जैसे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हो गए नॉन मेटल्स जो एयर में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंपाउंड स्टेट। मतलब जो सल्फर है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है और कंपाउंड स्टेट में पाया जाता है। कार्बन हो गया, वो नेटिव स्टेट में होता है, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो नेटिव स्टेट में भी होता है। किस फॉर्म में? ग्रेफाइट की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में और फुलरीन की फॉर्म में। ये तीन अलग अलग एलिमेंट, तीन अलग अलग सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बने होते हैं। और कंबाइंड स्टेट में भी होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स। ये हमने पढ़ी अभी अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिनरल्स एंड ओर्स। व्हाट आर मिनरल्स एंड ओर? अ नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस
फाउंड डीप अंडर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड मिनरल. तो मिनरल क्या है? एक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब नेचुरली अकर होने वाला एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कहाँ पाया जाता है? डीप अंडर द अर्थ सर्फेस, अर्थ के सर्फेस के काफी अंदर पाया जाता है, उसे हम कहते हैं मिनरल. फिर ओर जो है वो एक ऐसा मिनरल होता है, मतलब ओर इज अ टाइप ऑफ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. मतलब हम क्या समझे, मिनरल्स तो हो गए कोई भी ऐसा सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो अर्थ के सर्फेस पे पाया जाता है, और क्या हो गया, और एक ऐसा टाइप है मिनरल का जिससे हम कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली. प्रॉफिटेबली मतलब हमारा कोई नुकसान नहीं, हमारा फायदा हो उसमें. और इससे हमें यह पता चलता है कि जितने भी मिनरल्स हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे मिनरल ओर हों, लेकिन सारे ओर्स मिनरल होते हैं. क्या पढ़ा हमने कि जो मिनरल्स हैं वो सारे ओर हों जरूरी नहीं है, कुछ कुछ मिनरल्स ओर की फॉर्म में होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते, लेकिन जितने भी ओर्स होते हैं वो सारे मिनरल्स होते हैं. उसके बाद द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी. जब भी कोई मिनरल या मेटल हम कह ले ओर की फॉर्म में होता है तो हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है उसकी प्योर फॉर्म में, क्योंकि उसके साथ काफी सारे अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, हमें उसका प्योर फॉर्म चाहिए होता है. तो हमें उसके प्योर फॉर्म के लिए उसको क्या करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है. उसकी प्योर फॉर्म के लिए हमें उस पर अलग अलग प्रोसेसेस करने पड़ते हैं जिससे वो प्योर फॉर्म में आए. और उन सारे प्रोसेस को, जो एक सीक्वेंस होता है प्रोसेस का, एक प्रोसेस से वो साफ नहीं हो जाते, हमें काफी सारे अलग अलग प्रोसेस करने पड़ते हैं, और इन सारे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी. द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर. अब कौन कौन से प्रोसेस इसमें आते हैं, सबसे पहले ब्रीफ में पढ़ते हैं. फर्स्ट है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर. कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में हमें कहता है कि जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर, जो इम्प्योरिटीज हैं उसके रिमूवल को हम कंसेंट्रेशन कहते हैं. ओर में जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं अगर हम उसका रिमूवल करते हैं वो हो जाता है कंसेंट्रेशन. नेक्स्ट आता है रिडक्शन. रिडक्शन होता है प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग अ मेटल ओर टू गेट अ मेटल इन इट्स फ्री स्टेट. अब डेफिनेशन आपको यही लिखनी है, मैं आपको समझाता हूँ रिडक्शन होता क्या है. मान लीजिए हमारे पास एक आयरन का ओर है, आयरन का ओर एग्जिस्ट कर रहा है Fe2O3 की फॉर्म में. अब इसमें रिडक्शन करने का मतलब ये है कि हमें इससे ऑक्सीजन हटानी है. तो ये वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव करें तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन. मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन. फॉर नाउ अभी आपके लिए इतना समझना जरूरी है रिडक्शन का, किसी भी सब्सटेंस से अगर हम ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो भाई वो रिडक्शन कहलाती है. तो इसमें भी यही है, देखो ना, पहले ये ओर की फॉर्म में था, अब हम इसे इसकी आयरन की ओरिजिनल फॉर्म में ले आए ऑक्सीजन हटा के, और इस प्रोसेस को हमने रिडक्शन नाम दे दिया. नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल. अब ये जो हम मेटल लाए हैं फ्री स्टेट में, इसको अच्छे से प्योर करना पड़ता है. सबसे पहले तो ये ओर था, तो सबसे पहले हमने ओर की इम्प्योरिटीज रिमूव करी, फिर हमने प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट किया, और फिर उस मेटल में जितनी इम्प्योरिटीज है हमने उसको साफ किया. दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल. द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल. यहाँ पे हमारा कंसेंट्रेशन, मतलब ये मिनरल्स एंड ओर वाला टॉपिक इतना ही है फिलहाल इस चैप्टर में. अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है. फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ी होंगी शायद. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे फिर से. फिजिकल, फर्स्ट है फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट क्या होता है? ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स जो होते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लाइक गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सारे रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. हाउएवर मर्क्यूरी इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिक्विड मेटल. सिर्फ मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है. आपको जितने भी हर पॉइंट में इसमें एक्सेप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 9 पॉइंट है और हर पॉइंट में एक्सेप्शन है, और आपको सारे एक्सेप्शन याद रखने हैं. तो मर्क्यूरी इज एन एक्सेप्शन विच इज अ लिक्विड मेटल. मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके एक्सेप्शन है, ठीक है? एक्सेप्शन तो हर हालत में याद रखने हैं. मर्क्यूरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल, ऑल अदर मेटल्स आर सॉलिड. उसके बाद नॉन मेटल्स एग्जिस्ट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. नॉन मेटल्स तो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं. जैसे कि आयोडीन एक सॉलिड है, ब्रोमीन एक लिक्विड है, ऑक्सीजन एक गैस है. सारे किस पे? रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे ही आयोडीन सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, और ऑक्सीजन गैस होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट.
मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स का जनरली हाई होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. आपने देखा होगा आयरन वगैरह को मेल्ट करने के लिए 3000 डिग्री का सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होता है कि जिसमें आयरन लिक्विड की फॉर्म में आ जाए. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, जिसमें आयरन लिक्विड की फॉर्म में आ जाए, दैट इज 1536 डिग्री सेल्सियस. और फिर जब वो लिक्विड की फॉर्म में आके भी वो बॉइल होने लगता है, मतलब वो लिक्विड बॉइल होने लग जाए, वो होता है टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होता है. अब इसका एक्सेप्शन सीजियम. सीजियम इज वेरी लो. सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है. वो इतना लो होता है कि अगर आप सीजियम को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखेंगे कुछ देर के लिए, तो दैट विल मेल्ट इन योर पाम. मतलब अगर आपने उसे अपने पाम में ऐसे दबा के रख लिया है तो वो आपके पाम के अंदर ही मेल्ट कर जाएगा. इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, 28.7 डिग्री सेल्सियस ओनली. नेक्स्ट आता है हमारा नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर होता है 119 डिग्री सेल्सियस. अब इसका भी एक्सेप्शन है. उसमें क्या था, फर्स्ट वाले पॉइंट में सिर्फ मेटल्स का एक्सेप्शन था, इसमें क्या है मेटल्स का भी एक्सेप्शन है एंड नॉन मेटल्स का भी एक्सेप्शन है. डायमंड. डायमंड जो होता है दैट हैज वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3723 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इज मेल्टिंग पॉइंट. और आपको बता दूं डायमंड जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, अगर वो इस टेम्परेचर में पहुंच जाए तो वो जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. अब देखिए डायमंड जब ओरिजिनल डायमंड कितना महंगा होता है, लेकिन अगर हमने उसे 3723 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा तो वो हवा की तरह उड़ जाएगा, इट विल जस्ट बिकम कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये आपको एक्सेप्शन याद रखना था. थर्ड पॉइंट डेंसिटी काफी इजी है. मेटल्स हैव जनरली हाई डेंसिटी. मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, एक्सेप्ट देखिए एक्सेप्शन हर पॉइंट में एक्सेप्शन है. जैसे मैं आपको बताया सोडियम एंड पोटेशियम, ये बहुत ही कम डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी वैल्यू वाटर से भी कम होती है. मतलब अगर मैंने वाटर के ऊपर डाल दे तो पॉसिबिलिटी होती है कि ये वाटर के ऊपर ही तैरते रहेंगे. नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है, दैट इज वेरी कॉमन. नेक्स्ट इज हार्डनेस. मेटल्स आर यूजली वेरी हार्ड एंड कैन बियर हाई प्रेशर विदाउट बींग डिस्टॉर्टेड. मतलब मेटल्स जो होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, उनके ऊपर हम हाई प्रेशर भी लगा दें तो वो इजीली डिस्टॉर्ट मतलब टूटते नहीं है. लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम. बिकॉज हमने ऊपर पढ़ा डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो ऑफकोर्स वो ज्यादा हार्ड भी नहीं होंगे, दे विल इजीली ब्रेक. और ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम इन्हें एक नाइफ से कट कर सकते हैं, दे कैन बी कट थ्रू अ नाइफ. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए नेम अ मेटल विच कैन बी कट थ्रू अ नाइफ, सो दैट इज सोडियम और पोटेशियम. आप दोनों में से कोई भी मेटल लिख सकते हैं. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादा हार्ड नहीं होते, दे आर ब्रिटल एंड इजिली ब्रेक इन टू पीसेस, वो आसानी से टूट जाते हैं. प्लास्टिक आपने देखी है या अलग अलग नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं वो सारे इजिली टूट जाते हैं, आयोडीन टाइप ये सारे इजिली टूट जाते हैं. लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है डायमंड. डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड. और मैं आपको एक बात अपनी तरफ से बताऊं, डायमंड इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस. मतलब जो नेचर में जितने भी मेटल्स हमने पढ़ा ना, मेटल्स हार्ड होते हैं नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, तो ये डायमंड है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो नेचुरली अकर होके सबसे ज्यादा हार्ड होता है. सारे मेटल से ज्यादा हार्ड होता है डायमंड, बट इट इज नेचुरल. मतलब नेचुरली सबसे हार्ड डायमंड होता है. मैन मेड या क्या कहते हैं हम, लेबोरेटरीज में हमने इससे भी हार्ड सब्सटेंस बनाए हैं लाइक दैट ऑफ टाइटेनियम. टाइटेनियम के साथ जो कंपाउंड्स बनते हैं वो ज्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन वो आपको आपके लेवल पे नहीं है. वो मैं बस आपको ये बताना चाहता था, जो डायमंड है दैट इज एक्सट्रीमली हार्ड. फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं हम लस्टर. लस्टर होता है, मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस नोन एज मेटालिक लस्टर. जो मेटल्स में जो चमक होती है, लस्टर को हम हिंदी में बोलते हैं चमक. जो मेटल्स की अलग से शाइन होती है ना, चमक होती है, उसे हम कहते हैं मेटालिक लस्टर. मेटल्स जो है लस्टरस होते हैं, सारे मेटल्स लस्टरस होते हैं एक्सेप्ट, सॉरी इसमें कोई एक्सेप्ट नहीं है. नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली डल होते हैं, मतलब उनका कोई लस्टर नहीं होता. लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, तो इसका एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया आयोडीन. ये सारे एक्सेप्शन मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको याद रखने हैं. आ जाता है नेम द नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, तो दैट इज आयोडीन. हाँ, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे लिख के आते हैं कि डायमंड इज लस्ट्रस. हाँ ठीक है, हमने देखे हैं डायमंड जो इतना चमक मारता है, बहुत ज्यादा चमकीला सब्सटेंस होता है, लेकिन वो उसकी अपनी लस्टर नहीं होती. जैसे हम कहते हैं ना मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. मून रोशनी तो दे रहा है, लेकिन वो रोशनी उसकी खुद की थोड़ी ना, वो तो सूरज की रोशनी से रोशनी दे रहा है. सो वी कंसिडर जस्ट लाइक हम मून को एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लेते हैं, वैसे ही डायमंड को हम लस्ट्रस सब्सटेंस नहीं लेते, क्योंकि डायमंड खुद की लाइट इमिट नहीं करता. जब उस पर दूसरी लाइट पड़ती है तो
तो क्या होता है कि उसके अंदर लाइट जो है वो ट्रैप हो जाती है, उसकी कुछ शेप ऐसी होती है, शेप ऐसी बनाई जाती है उसकी कि लाइट उसके अंदर कैद हो जाती है, इसीलिए वो शाइन करता है। जबकि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके ऊपर लाइट पड़ते ही वो शाइन करने लग जाता है। सो आयोडीन इज लस्ट्रस बट डायमंड इज नॉट लस्ट्रस। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा याद रखना है, मैंने बड़ा बड़ा लिख रखा है डायमंड इज नॉट लस्ट्रस, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया नेम अ नॉन मेटल इज लस्ट्रस, 80% बच्चे लिख के आएंगे डायमंड इज लस्ट्रस, सो दैट इज रॉन्ग। सिक्स पॉइंट आता है हमारा मेलेबिलिटी। मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, मतलब दे कैन बी हैमर्ड इन टू थिन शीट्स, हम उन्हें थिन शीट्स में हैमर कर सकते हैं, मतलब अगर उनके ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो वो थिन शीट्स में पतले, मतलब थिन शीट्स में आ जाएंगे, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम की शीट्स जो हम यूज करते हैं, एज फॉइल्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, दे कैन बी हैमर्ड इन टू थिन शीट्स। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल होते हैं, हम उन पे हथौड़ा मारेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। नेक्स्ट डक्टिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स जस्ट लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स, लेकिन नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, हम उन्हें थिन वायर्स में नहीं, मतलब हम उन्हें थिन वायर्स में नहीं ला सकते। यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, ये वायर्स होगा, थिन वायर्स, हम उन्हें थिन वायर्स में नहीं शेप में ला सकते उनको। नेक्स्ट हमारा एट पॉइंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हार्डनेस। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी वही होती है किसी भी सब्सटेंस की केपेबिलिटी ड्यू टू विच इट कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। हमने देखे ना ब्रिजेस वगैरह सारे मेटल के बने होते हैं, क्यों? बिकॉज मेटल हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो अपने ऊपर बोझ ले सकते हैं। नॉन मेटल्स के बनाएंगे तो जैसे ही कोई भारी गाड़ी आएगी वो टूट जाएगा, ब्रिज टूट जाएगा, लेकिन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है तो वो लॉट ऑफ लोड दे कैन बियर ऑन देमसेल्व्स, सो ब्रिजेस आर मेड ऑफ मेटल्स। और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों होती है इनकी? क्योंकि ये मेलिएबल और डक्टाइल है, मतलब हम पे इतने हथौड़े मारते हैं ये तब नहीं टूटते, क्यों? क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हार्ड है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। एंड नॉन मेटल्स आर जनरली डू नॉट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ सॉरी, मतलब ये इजीली टूट जाते हैं, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर एक तरीके का एक ऐसा नॉन मेटल है कार्बन का ही, जो बहुत ज्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है। लास्ट पॉइंट कंडक्टिविटी, आप सबको पता है कंडक्टिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू ट्रांसफर हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने देता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। जो नहीं करने देता उसे हम कहते हैं इंसुलेटर, उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल जो होते हैं वो इजिली कंडक्ट करते हैं हीट एनर्जी को, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो जल जाते हैं या मेल्ट हो जाते हैं ड्यू टू हीट। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें एक्सेप्शन आ जाता है, मैं लिखा नहीं है क्योंकि इसके इस वाले पर्टिकुलरली इस वाले पॉइंट के ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप फिर भी लिख सकते हैं डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आता है, मेटल्स इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज दे आर कंडक्टर्स, बट नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट आर पुअर कंडक्टर्स। ग्रेफाइट के अलावा बाकी सारे नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो इंसुलेटर होते हैं। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, इसलिए वो सेल के अंदर जो काली सी रॉड होती है, अगर आपने कभी सेल को तोड़ के मतलब देखा तो नहीं होगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सेल के अंदर जो ब्लैक कलर की रॉड होती है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। सो ये हमने अभी बेसिक पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज।